गुजरात के सौराष्ट्र और साथ गुजरात में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। द्वारका के पनेली गांव में बाढ़ में फंसे 3 किसानों को एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। द्वारका में 12 घंटे में 281 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। यहां आज भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में 200 मिमी बारिश दर्ज की गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की 3 टीमें तैनात की गई है। मुंबई में हाई टाइड के चलते समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें भी उठी। यहां आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर एमपी में भी तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। सिवनी जिले में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के कारण सोमवार शाम को 2 पैसेंजर ट्रेनें रद्द की गई। मौसम विभाग ने 9 राज्यों में मंगलवार के लिए भारी बारिश और 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बहुत भारी बारिश गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, भारी बारिश कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। 24 जुलाई को गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात में भारी बारिश से होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, पश्चिम राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में 7 सेमी तक बारिश हो सकती है।